हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2. प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. तो आपको यहाँ पे फर्स्ट चीज़ ये दी हुई है कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है. कॉन्ग्रुएंट फिगर बिल्कुल एक जैसे होते दिखने में, चाहे अगर एंगल में हो, चाहे यहाँ पे जैसे सर्कल है तो इनका रेडियस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा दोनों ही सर्कल का. इसका 2 है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर ही होगा. तो दोनों सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट है और इसके अंदर आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेंटर के साथ जो ये कॉर्ड जो है वो एंगल बना रही है, वो भी यहाँ पे क्या है, इक्वल है. ये देखो, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर. तो ये ए बी कॉर्ड सेंटर के साथ ए ओ बी एंगल बना रही है, पी क्यू कॉर्ड सेंटर के साथ पी ओ क्यू एंगल बना रही है. आपको यहाँ पे क्या प्रूव करके बताना है कि एंगल 1 एंगल 2 के तो इक्वल है, बट प्रूव हमें ये करना है कि इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो इस सर्कल के कॉर्ड के लेंथ के इक्वल है. यानी हमें यहाँ प्रूव करना है कि लेंथ ए बी इक्वल टू लेंथ पी क्यू, कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड पी क्यू के हमें इक्वल प्रूव करके बताना है. तो पहले गिवन लिख लेते हैं. तो गिवन इज टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल सी वन एंड सी टू. ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल सी वन, पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल सी टू, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू. यानी कि हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है. तो ये राइट करने का तरीका, एग्जाम में अगर थ्योरम क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे इसको लिखना है, कैसे अटेंड करना है कि आपको फुल मार्क्स मिले, तो इसी तरह से आपको वहाँ पर राइट करना है. फिर टू, प्रूव कॉर्ड्स आर इक्वल. यानी कि हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू पी क्यू. तो कोई भी दो ट्राइंगल में अगर कोई भी साइड इक्वल करनी हो, कोई भी एंगल इक्वल करना हो, तो सिंपल तरीका दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो. तो दोनों ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके रिमेनिंग साइड रिमेनिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं. तो यहां भी सेम, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू वी हैव, जो जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं. तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो रीज़न आपको लिखना है यहाँ पे गिवन. फिर दूसरा, ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल, ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल, क्योंकि ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी, तब भी हम ये लिख सकते हैं. अदरवाइज अगर ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हम ये चीज़ नहीं लिख सकते. तो ए ओ इक्वल टू हमारा पी ओ हो जाएगा, एंड बी ओ इक्वल टू यहाँ हमारा हो जाएगा ओ क्यू हो जाएगा. तो रीज़न आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो रीजन आप लिखोगे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल. ठीक है, तो इसका भी यही रीजन हो जाएगा. तो एक ये आपकी साइड एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई. यहां पे ये साइड, ये एंगल और ये साइड. तो देयर फॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू. तो ए ओ बी पी ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सी पी सी टी से दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल. तो हम राइट करेंगे सिंस ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू, देयर फॉर बाय सी पी सी टी ए बी इक्वल टू पी क्यू, हैंस प्रूव. हमने यहाँ पे प्रूव करके बताया, तो बहुत सिंपल है. तो बिल्कुल आपका थ्योरम नंबर 10.2 था, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही. वहाँ एक सर्कल था, यहाँ दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है. तो अभी भी आपको अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.